हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सब व्यस्त होंगे। देखिए पीछे डाइनिंग टेबल वाले एरिया में देखिए, ये देखिए फैला हुआ है ना, तो जैसे कि मालूम ही है कि अभी सफाई चल रही है। तो चलिए आगे वीडियो वॉच करने से पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, और पसंद आता है तो कर दीजिए लाइक, और नहीं पसंद आता है तो कर दीजिए डिसलाइक, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे का वीडियो वॉच करते हैं। आज नई रेसिपी सीखनी है, नई रेसिपी बनाई है, तो चलिए आप लोग भी देखिए क्या बनाया है और फिर आप लोग भी बनाइए। तो ये ले ली है धुली मूंग, बिना छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है वो ले ली है। इसको हम भिगो देंगे और कम से कम भी इसको 5 घंटे तो भिगोएंगे, और इसमें खाने वाला सोडा जो होता है अपना नॉर्मली, उसको थोड़ा सा ऐड करके तब भिगोएंगे। ये देखिए ये छोटी वाली चम्मच है, वो मैंने 1 चम्मच डाली है। मेजरमेंट का कोई वो नहीं है, आप कितनी भी दाल ले लीजिए और कितना भी सोडा डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मेजरमेंट का काम नहीं है। तो दाल अभी हमने नहीं धोई है, क्योंकि बाद में हमको ये अच्छे से वॉश करनी ही है, इसलिए अभी मैंने इसको ऐसे ही भिगो दिया है। बस इतना पानी रहे कि दाल अच्छे से उसमें भीग पाए। तो 5 घंटे बाद इसको फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब 5 घंटे हो गए हैं, तो दाल को अपनी देख लेते हैं। और ये देखिए इतनी अच्छी से फूल गई है कि आप ऐसे मतलब उंगली से नाखून से ऐसे करेंगे तो ये 2 हिस्सों में आराम से हो जाएगी, मतलब फूल के बिल्कुल बहुत अच्छी तरह फूल गई है ये। तो बस अब इसको खूब अच्छे से वॉश करेंगे, 4-5 पानी से वॉश करके, और पानी पूरा स्टेन करके फिर एक कपड़े पे टॉवल पे बिछा देंगे। बस 5-10 मिनट ही इसको ऐसा प्रोसीजर करना है कपड़े पे रखने का, और पानी तुरंत ही सूख सा जाएगा, बस फिर आगे का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। देखिए बाज़ार से क्या होता है ना कि इतनी एंड टाइम पे हम लोग जब त्यौहार के टाइम लाते हैं ये चीज़ें, तो पता नहीं कौन से ऑयल से बनी हुई होती हैं। तो इससे बेटर है कि आप घर में ही बनाइए इन चीज़ों को, थोड़ा पहले से बना के स्टोर कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देंगी आपको और हेल्थ वाइज भी अच्छी रहेंगी। तो देखिए अच्छे से मैंने 4-5 पानी से इसको धो लिया है। अब जाली में से अच्छे से पानी इसका स्टेन करके और इसको एक टॉवल पे पलट देंगे, क्योंकि क्या होता है जाली से फिर भी पानी निकलता रहता है काफ़ी देर तक। तो जल्दी से हम लोगों को ये प्रोसीजर शुरू करना है, और क्योंकि आगे भी कुकिंग और करनी है, काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो फटाफट आज तो मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो मैंने तभी दाल भिगो दी थी, सोचा था कि आज तो ये काम करना ही करना है, क्योंकि इस दाल से अब मैं 2 डिश बनाऊंगी। एक तो नमकीन तो बनेगा ही बनेगा, मूंग की दाल का नमकीन, और दूसरा इससे एक डिश भी बनाएंगे, वो भी शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन आज तो केवल मूंग की दाल की दालमोठ ही शेयर कर रही हूँ। जब तक इसको बिछा दिया ये थोड़ी देर, 5-10 मिनट इसमें हवा लग जाएगी पंखे की, या फिर बहुत जल्दी हो तो आप दूसरा टॉवल ऊपर रख के उससे पोंछ भी सकते हैं, तो उससे भी सूख जाएगी थोड़ा जल्दी। और उसके बाद मैंने कहा चलो जब तक ये सूख रही है थोड़े अपने दूसरे काम निपटा लें, तो ये सूख भी जाएगी और साथ ही में मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके भी आप इसको सुखा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तो सूखेगी नहीं जितना, तो दाल क्योंकि भीगी हुई है तो थोड़ा तो मॉइस्चर उसमें रहेगा ही रहेगा। तो बस देखिए एक पैन चढ़ा लेंगे, उसमें हम घी या ऑयल कुछ नहीं लेना है, बस डायरेक्ट उसमें हमने अपनी दाल डाल देनी है। और इस दाल को बस भुनने के समय थोड़ा ध्यान रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, मीडियम, कभी मीडियम रखेंगे कभी लो करेंगे उसको। बस एक बार पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए मीडियम टू हाई में, फिर उसके बाद हाई लो करके ही भुनना है। बहुत लो में भुन देंगे तो ये बिल्कुल मतलब कड़क हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है इसमें। जब भी कुछ काम करो तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो आती ही है। अब ये पैन देखिए बेटे को चाहिए उधर, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं, तुम पैन ले लो। तो बिना ऑयल के ही इसको 10 मिनट तक पहले बिना घी के भुनना है आराम से। गीली है तो थोड़ा सा
शुरू में कढ़ाई में या पैन में तो बिल्कुल नहीं चिपकेगी ये दाल आपकी, लेकिन आपस में थोड़ी चिपकी रहेगी तो कोई घबराने की बात नहीं है। 10 मिनट भुनने के बाद इसमें बस मैंने एक चम्मच देसी घी डाला है, बस वो भी इसलिए डाला है कि थोड़ा सा मसाले इसमें जब हम मिलाएंगे ऐड ऑन करेंगे तो मसाले इसमें चिपक जाएं अच्छे से। ये देखिए कैसे गिर रही है ना, थोड़ी अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल आराम से आप भी बना पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 10 मिनट भुनने के बाद देखिए एक चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसमें हम कोई और चिकना यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये विदाउट ऑयल ही कहलाएगी, विदाउट घी के ही कहलाएगी ये दाल मोठ। तो बहुत कोई भी बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं, डाइट कॉन्शियस लोग भी आराम से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये भुन के हो गई है अपनी तैयार। और आप कैसे पता लगेगा ये भुन गई है, जहाँ पर आप इसको ऐसे चलाएंगे ना, इसमें खनक जैसी एक आवाज़ आएगी अलग तरह की, उसी से पहचान हो जाएगा कि हमारी दाल पूरी तरह से भुन गई है। तो देखा आपने, दाल के दाने भी एकदम खिल गए हैं और ये आवाज़ भी, इसकी साउंड भी अच्छी सी आने लगी है, एक खनकदार आवाज़। तो दाल हो गई हमारी बिल्कुल तैयार भुन के। चलिए मिला लेते हैं इसमें अब हम लोग मसाले अपने। और यदि आप सिर्फ नमक वाली खाना चाहते हैं तो सिर्फ नमक डालिए। मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक, काला नमक, पुदीना पाउडर, भुना जीरा और काली मिर्च ऐड करी है। आप जो भी फ्लेवर इसमें पसंद करते हो वो डाल दीजिए। ये पुदीना पाउडर और भुना जीरा वगैरह डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। बहुत से लोग मूंग की दाल को सिर्फ नमकीन ही पसंद करते हैं, कोई और मसाला नहीं ऐड करना चाहते। यदि आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत करिए, लेकिन मैंने तो यहाँ पे ऐड कर लिया है। और देखिए एक त्यौहार पे दाल मोठ घर में ही तैयार हो गई है। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, और ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी घर में। और बनाना भी बहुत ईजी है, हार्डली ये 20 मिनट्स में कम्प्लीट हो जाती है। यदि आपकी भीगी हुई है तो 20 मिनट में ये भुन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। कोई गेस्ट आ जाए, आने वाला हो, आपको मालूम हो, तो आप एक दिन पहले से इसका प्रोसीजर करके रख लीजिए। और ये एयर टाइट डब्बे में आप रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी। आराम से आप खाइए, जैसे बाज़ार की दाल मोठ खाते हैं वैसे ही उतने ही दिन ये टिकी रहेगी। बहुत अच्छी बनी है, ज़रूर बनाइएगा। तो आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। एक डिश तो मैं आपको बना के बताऊंगी इस वाली दाल मोठ से, क्योंकि मेरे बच्चों को वो डिश बहुत 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 पसंद है और वो कहीं और की खाते भी नहीं है, वो चीज़ केवल घर की ही खाते हैं और वो इसी से बनती है। तो हो सकता है बहुत से लोग बनाते भी हों, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई नई चीज़ है, बनाते भी हैं बहुत से लोग घर पर। लेकिन चलिए, और बस मैं ऐसे बनाती हूँ, ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करी है। इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे देते आ रही हैं। अभी तो त्यौहार पे बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, और ये चीज़ें आप स्टोर करके रखते जाइए तो देखिएगा आपको कितना ईजी हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों से मैं आपको बहुत क्विक एंड फास्ट रेसिपीज भी बताऊँगी कि अचानक से यदि मेहमान आ जाते हैं और ये चीज़ें यदि आपके पास पहले से तैयार हैं, रेडी हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें उससे कर सकते हैं। तो ये सब आइडिया भी मैं आपको किसी एक ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, सारे आइडियाज़ दूंगी आपको। तो जैसे मैंने आपको डिप बताई थी, और लहसुन और लाल मिर्च की, वो डिप बना के रखी है और ये नमकीन बना के रखी है। तो जितनी भी रेसिपीज़ मैं बता रही हूँ इधर वाल, वो आप बना बना के रखिए, फिर मैं आपको अपने आइडियाज़ दूंगी कि ये आइडिया आप कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय।